बढ़ चुके हैं हुमायूं टॉम की तरफ। अब थोड़ी देर में हम घुसेंगे हुमायूं टॉम में। हाँ भाई मूसा भाई, तो हुमायूं टॉम में तुम जा रहे हो तो तुम्हारा क्या इरादा है? घूमेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे तमाम। देखो ये घूमने और मस्ती करने और एंजॉय करने आया हुमायूं टॉम में। चलो देखते हैं। वो रहा टिकट लेने गया है, जल्दी से टिकट लेकर आ जाए फिर हुमायूं टॉम घूमने चलेंगे। वैसे तो मैं सैकड़ों बार घूम के जा चुका हूँ, मगर ये मूसा भाई और राहत आज पहली बार आएंगे। हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम और एंट्री हमारी हो चुकी है। अब सबसे पहला प्लेस हम देखेंगे। आओ इधर। मूसा भाई को कुछ पता होता है नहीं, इधर उधर निकल जाते हैं। पता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन अब तुम जो हाँ क्या पता आपको है? हम इधर से ये थैली लेकर हाथ में घूम रहे हैं, इनके पास बैग है ही नहीं, गरीब लोग हैं ये। मैंने कहा था निकलते टाइम इनसे कि एक बैग ले लो। आपने ले रखा है ना एक्चुअली? तो नहीं, वो तो सबको पता है कि मेरा ये स्काई कलर का बैग हर ब्लॉग में दिख ही जाता है। अबे यार हम अपनी सीढ़ियों की आदत है। बस बस कैसे भाग रहे हैं जैसे ने सब कुछ पता हो। तुम दोनों को पता है कुछ? जा के भाग रहे हो? इनसे पहले घूम के चला गया डॉक्टर साहब। हम एक ऐसी जगह पा चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा शांत है और यहाँ पे कबूतरों का बहुत ज्यादा डेरा है। तो मूसा भाई और वो तो वहाँ पे लग गए, बाकी आगे की जगहों का हम टूर करते रहेंगे धीरे धीरे। ये कोई टॉम टाइप कुछ बना हुआ है। ये मस्जिद है पुरानी, हुमायूं के ज़माने की होगी आई थिंक। ये देखो, जब देखो इनके फ़ोन पे ही लगे रहते हैं ये। हाँ भाई किससे बात चल रही? पता नहीं है, अपनी बकवास पेलते रहते हैं, पता ना पता है। ये देखो ये अपना 13 प्रो दिखा रहे हैं। गरीब लोगों की बहुत हर जगह भाई साहब। ये 13 प्रो मैक्स है इनके पास। फोटो सेशन चालू। हमारे मूसा भाई एक बड़ी बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं। उन्होंने शॉपिंग तो कर ली दिल दिल मार के, मगर अब उनकी पॉलिथीन उठाने के लिए उनका एक साथी चाहिए होता है। मूसा भाई हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पॉलिथीन उठा लो। हमने कहा ऐसा बैग लाते? ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा गरीब हो, फॉरनर आज भी हमें देखने आते हैं। ये देखो फोटो क्लिक कर, अंदर का नज़ारा देखते हैं क्या रहता है। धीरे धीरे हम अंदर एंट्री करते। ये चैन होगी जेल और यहाँ पे तमाम मजा रहा है पुराने। चाचा की वाड़ बंद कर रहे हैं, यहाँ हमें बंद करने की फिराक में है, मगर उन्होंने बंद नहीं करा। ओह चलिए बाहर का रास्ता दिखाते हुए। वैसे ये राउंडेड है पूरा, गोल गोल घूम घूम के। तुम्हें पता नहीं कि ये ईसा खान का मकबरा है? अब तुम्हें पता चल गया है ऑलरेडी कि ईसा खान का मकबरा है, इसलिए आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए सभी गाइस को बताना चाहेंगे ये हुमायूं का मकबरा। अबे यार खान का मकबरा, एनाटॉमी की बात होती है, फिजियोलॉजी की बात होती तो बता भी देते, अब हिस्ट्री की बात है तो कैसे बताते हैं। तो हिस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमें पता नहीं था। वैसे ईसा खान का मकबरा ये पीछे था जो अभी एक्सप्लोर किया। अभी हंसी नहीं रोक पाए, हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। एक बंदा था वो जो 9 फीट की हाइट का था, कोई फॉरनर था, तो उसे देख देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। और ये हमारे मूसा भाई ने तो उसकी वीडियो भी बना ली है। तो मुझे तो एक ही ख्याल आया कि मेरा दोस्त कामरान है, वो कम से कम कामरान कैसे हो जाएगा देखियो। अब हम हुमायूं के टॉम का जो मेन गेट है उसमें एंट्री करने जा रहे हैं। अभी तो हम जो ईसा का मकबरा था और अगला हम जो है हम जाने वाले हैं हुमायूं के टॉम पे। चलिए हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए और हम आपको बता। देख रात कितना चल रहा हूँ। हाँ जरूर सुरक्षा के बाद वो पीछे कड़ी सुरक्षा थी, वहाँ से अपने सब कुछ चेक वेक करा लिए, स्कैन स्कैन हो गए हैं। आगे देखो कुछ लोग इंडियन हैं जो फॉरनर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो इंडियंस का ये सीन है बहुत बढ़िया। हम अपने ब्लॉग में देखो फॉरनर्स को बस ऐड कर लेते हैं, फोटो तो नहीं खिंचवा। ये देखो मस्त एकदम इंडियंस की फोटोग्राफी चल रही है। इन्हें एक नाकाम कोशिश करी थी कोरियन से बात करने की, मगर वो इन्हें ऐसा इग्नोर करके गए कि बेटा मैंने बात, अगर मैं बात करनी चाहता तो कर, ज्यादा मुश्किल पड़ जाए। हाँ तो हम फाइनली देखो अब वो चला गया घूम घाम के भाई। 2nd अक्टूबर तो अब हम आ चुके हैं ये गजब पहाड़ों की ऊंचाइयों में घुसते हुए। यहीं पर सुनो तो हम फाइनली आ चुके हैं और ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये हुमायूं टॉम। नकली ताजमहल दिखा के? अबे नकली ताजमहल ना है, वो अपने आप में खुद एक महारत है। तो भाइयों ये जो हमारे गांव का प्रधान है बड़ा ही हरामी है, इसने देखो तबड़ा कांड लगा हमारे आगे गांव ने, प्रधान ने, इसने देखो कितना हम गाँव से पानी बंद करा दिया है। 4 चांद लगता है टॉम पे, देखो गाइस हम टॉम पे आ चुके हैं। कितना ही अजीब तरीके का इस टाइम पे बना होगा उस ज़माने में, उन आर्किटेक्चर को सलाम जिन्होंने इतनी बढ़िया एकदम, एक भी इंच की कोई भी कमी नहीं होती है
और एक आज के आर्किटेक्चर है, कुछ भी पेल देते हैं। देखो एकदम हम सीढ़ियों पर चल चल के ऊपर को। ओह फाइनली गाइस आ चुके हैं। ओह माहौल कुछ गर्मा गर्मी वाला, धूप बहुत तेज है और साथ धूप के। ये देखो इनकी खुशी देखो, और ऊपर आने की खुशी देखो इनकी। ऐसा लग रहा हो जैसे हम दिल्ली के ऊपर चढ़े पड़े हुए हैं। चढ़ चढ़ के बुरा हाल हो गया भाई, सीढ़ियों पे सीढ़ियां चढ़ना है। और फाइनली हम आ चुके हैं वैसे हुमायूं टॉम, बहुत ही प्यारा नजारा है, आसमान भी, मगर गर्मी बहुत है ये कहना चाहेंगे, बहुत ही गर्मी है, बहुत सारी स्टेयर्स थी, चढ़ते चढ़ते बुरा हाल है, तो बस थोड़ा आराम कर लें। पूरा चारों तरफ ऐसे क्या कहते हैं हेक्सागनली घूमेंगे, हेक्सागनल शेप में आई थिंक, नहीं पता है क्योंकि हिस्ट्री बड़ी कमजोर है हमारी, मेडिकल के स्टूडेंट वैसे हैं भाई, हिस्ट्री में तो कमजोर होंगे। बस आगे की कहानी आप देखते रहिए, हमारे बने रहिए ब्लॉग। थोड़ी इधर ठंड है, इधर तो सुकून सा महसूस होगा, इधर से भी सेम, मतलब 4x4 पूरा सेम है ये। फेंक दो। बहुत देर के बाद हमें बैठने का मौका मिला है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ब्लॉग के माध्यम। और ये देखो जहाँ देखा तवा परात वहीं गुजार दे सारी रात, इनके साथ यही सीन है हमेशा, जहाँ देखते हैं ये लोकेशन अच्छी है बैठने की जगह है, वहीं पर अपना फोन निकाला और फोटो क्लिक करने स्टार्ट कर, है ना, ऐसा ही है ना। ये टॉम के अंदर एंट्री, तो ये हुमायूं की कब्र जो संगमरमर से बनी हुई है, हुमायूं की कब्र। और ये टॉम बना हुआ है, ये बच्चों का कोई टूर आया हुआ है, फुल मज़ा ले रहे हैं बच्चे अपने। वैसे मुझे इन्हें देख के बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम भी कभी बचपन में ऐसे टूर पे जाते थे। मुझे याद है एक बार हम आगरा गए थे फतेहपुर सीकरी। ये एग्जिट उठ के भी यही लोग लेके गए थे हमारे देश को, और अब ये देखो आके फुल मज़े भी यही लोग लेते हैं, टोटली फॉरनर। और मुझे लग रहा है पूरा फीमेल ग्रुप है, एक भी मेल नहीं है इनके साथ, ये फुल मज़े लेते हैं भाई आके हमारे हिंदुस्तान के। तो गाइस अब घूम के आ चुके हैं हुमायूं का टॉम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरे ब्लॉग में। अब ब्लॉग हम ये वाला यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में और एक नई लोकेशन के साथ। बाय।